हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अपना मुंबई यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है वो फिलअप करते वक्त कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसका सोल्यूशन क्या है। क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है स्टेप बाय स्टेप किस तरह से भरने का और उसको कॉलेज की वेबसाइट पर किस तरह से अपलोड करने का ये डिटेल में बताया था। उस वीडियो को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया आपका और उसमें बहुत सारे कमेंट्स भी आ गए कि सर हमें ये प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं, तो उन सब प्रॉब्लम का आज मैं आपके लिए सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए जिससे आपके जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको मैथ्स रिलेटेड वीडियो और एजुकेशनल अपडेट हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, उसके लिए जाते हैं हम लोग अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो चलो गाइज, हम लोग आ गए हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वन बाय वन आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मैं देने वाला हूँ आज। तो पहली बात तो पर्सनल डिटेल में एक प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों को कि यहाँ पे जो आप लोग का नाम है इंग्लिश में आप लोग लिख पा रहे हो लेकिन रीजनल लैंग्वेज में ये नाम कन्वर्ट होते वक्त कुछ स्पेलिंग में वगैरह गड़बड़ होता है या कभी कभी हो रहा नहीं है, और खास करके मोबाइल पे करते वक्त तो और भी ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो आपको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में टाइप करके इंटर अगर लैपटॉप पीसी पे कर दोगे तो ये इजिली हो जाता है। अदरवाइज एक सिंपल है, आप लोग क्या कर दीजिए गूगल ट्रांसलेटर ओपन कर दीजिए, यहाँ पे आप लोग का जो नाम रहेगा वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए और यहाँ से जो नाम आप लोग का मराठी में वगैरह हिंदी में जो आया रहेगा वो यहाँ से कॉपी कर दीजिए और फिर अपने पर्सनल डिटेल में जाके यहाँ पे आप लोग उसको पेस्ट कर सकते हो। बस इतना कर दोगे तो भी आपका काम हो रहा है, बाकी तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? तो गाइज हम लोग अभी देखते हैं अपना सेकंड प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। तो आपका सेकंड प्रॉब्लम आ रहा है एजुकेशन डिटेल्स पे। यहाँ पे आपको क्या करने का, नॉर्मली 10th एंड 12th का यहाँ पे मार्क्स का डिटेल डालने का है, लेकिन क्या हो रहा है कुछ बच्चों का हम लोग को कंप्लेंट आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग का रिजल्ट 10th का रिजल्ट रहेगा या 12th का रिजल्ट रहेगा मल्टीपल टाइम शो हो रहा है, मतलब दो बार चार बार वगैरह ऐसा शो हो रहा है। और यहाँ पे आपके पास एडिट के टाइम पे डिलीट का ऑप्शन है, वहां पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो कुछ होता नहीं है, मतलब डिलीट वगैरह तो कुछ हो रहा नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा रिजल्ट जो आ रहे हैं वो डिलीट तो हो नहीं रहे हैं। तो हम लोग क्या करें अभी, इसका आपके पास क्या सॉल्यूशन है क्या? तो हम लोग कल ही इतना ही बता सकते हैं कि आप लोग इसको क्या कर दीजिए, प्रोसीड कर दीजिए, आपको इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर आपका रिजल्ट मल्टीपल टाइम शो हो रहा है, ज्यादा टाइम शो हो रहा है तो भी कुछ नहीं है, सेम रिजल्ट शो हो रहा है, सेम इंफॉर्मेशन है, बोर्ड सेम है, क्वालिफिकेशन आपका डिटेल सेम है सब, तो आपको इसमें कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग बिंदास यहाँ पे प्रोसीड कर दीजिए और आगे जाके अपना फॉर्म कंप्लीट कर दीजिए, उसमें कुछ नहीं है। और वैसे भी ये प्री एडमिशन फॉर्म है, इसके बाद आपको कॉलेज में जो फॉर्म भरने का वहां पे भी आपको 10th एंड 12th के मार्क्स वहां पे भी एंटर करने के, वहां पे भी ये सब फिल करके आप लोग को अपलोड करने के अपने रिजल्ट, तो आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग बिंदासली यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। तो देखो इस तरह से आपका ये जो प्रॉब्लम था मल्टीपल रिजल्ट का, इसका इस तरह से ये सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम आपको आ रहा है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करते वक्त, यहाँ पे सिलेक्ट करना और उसको अपलोड करना थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। देखो आप लोग को यहाँ पे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, अपना फोटोग्राफ सिग्नेचर का प्रॉपर्टी आप लोग अपने मोबाइल पे वगैरह चेक कर दो एंड देन यहाँ से ब्राउज करके आप लोग उसको सिलेक्ट कर दो। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं सिग्नेचर का बताता हूँ आपको, देखिए तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, वो जो सिग्नेचर है वो यहाँ से ले लेता हूँ। चलो हम लोग आ गए हैं अपने अभी इंटरनल स्टोरेज में, मोबाइल पे है मेरा ये सिग्नेचर, तो उसके साथ साथ यहाँ पे है मेरा ये सिग्नेचर। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को इस तरह से दिखेगा, तो यहाँ पे आपको क्या करने का, उसको सिलेक्ट करने का, तो आप लोग डायरेक्टली उसके पास कर्सर लेके जाके उसको क्या कर दीजिए, एक्सपांड कर दीजिए। आप लोग को जैसे चाहिए आप लोग उसको ऐसे एक्सपांड कर सकते हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आता है लेकिन ठीक है, आप लोग कर दोगे प्रॉपरली तो हो जाता है, ज्यादा भी इतना कुछ डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, तो देखिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग पूरा सिग्नेचर अपना प्रॉपरली यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए पहले। तो एक बार आपका सिग्नेचर यहाँ से प्रॉपरली सिलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करने का है, इसको पहले क्रॉप बटन पे यहाँ पे क्लिक करने का। तो देखो यहाँ पे मैं क्रॉप बटन पे क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरह से आपको ये सिग्नेचर दिखाई देगा एंड देन आपको क्या करने का है, अपलोड पे क्लिक कर देने का। एक बार आप लोग अपलोड पे करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो राइट साइड में मेरा पहला वाला सिग्नेचर थोड़ा चेंज होके भी इस तरह से नया वाला सिग्नेचर आपको शो हो रहा है। बस इतना ही करने का है, ज्यादा कुछ है नहीं है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, थोड़ा नेटवर्क में वगैरह प्रॉब्लम होने की वजह से एक आध बार करोगे तो आप लोग को नहीं आएगा, सेम प्रोसेस फिर से करो, फिर से ब्राउज कर दो। अगर एक आध बार करोगे तो यहाँ पे अगर शो नहीं हो रहा है तो फिर से ब्राउज कर दो, फिर से सिलेक्ट कर दो एंड फिर से क्रॉप करके अपलोड कर दो, हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन है।
सिलेक्ट करते हुए कुछ कोर्सेज के आपको मीनिंग नहीं समझ में आ रहे, तो हम लोग देखते हैं कि वो कौन से कोर्सेज है और उनका मीनिंग क्या है। तो पहले आप लोग को यहाँ पे कंफर्म प्रोफाइल डिटेल्स करने का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपने प्रोफाइल आ रहा है, आप लोग यहाँ पे सबको राइट क्लिक कर दो, चेक कर दो, एंड देन यहाँ पे मैंने अभी सब कर दिया है, क्लिक कर रहा हूँ और आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग को क्या आ जाएगी, आपके सब कोर्सेस जितने भी मुंबई यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर रही है वो आ जाएंगे। उसमें पहले आपको आर्ट्स से रिलेटेड कोर्सेस आएंगे, देन कॉमर्स से रिलेटेड आएंगे, देन साइंस से रिलेटेड आएंगे, देन ओकेशनल कोर्सेस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे जैसे जैसे आप लोग आगे पेज करते जाओगे। तो यहाँ पे अभी देखते हैं पहले बीए से रिलेटेड जो कोर्सेस है उसमें आप लोग देख सकते हैं, उसमें इंपॉर्टेंटली यहाँ पे है मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, जिसे हम लोग नॉर्मली बीएमएम कहते हैं, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन एक अच्छा कोर्स है, आप लोग ये देख सकते हो यहाँ पे ये वाला है। उसके साथ आगे जाते हैं, आगे जाने के बाद आप लोग को और भी कुछ कोर्सेज दिखेंगे, तो यहाँ पे कोर्सेस है बीकॉम से रिलेटेड कुछ कोर्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे पहली बात तो आपको ऑटोनॉमस और रेगुलर में क्या डिफरेंस है वो बता देता हूँ। ऑटोनॉमस में क्या होता है, आपका कॉलेज सब पेपर्स वगैरह रहेगा, पोर्शन वगैरह रहेगा, एग्जाम डेट वगैरह ये सब कॉलेज अगर डिसाइड करता है तो उसे हम लोग ऑटोनॉमस कहते हैं, और वही अगर यूनिवर्सिटी थ्रू ये सब हो रहा है तो उसे हम लोग रेगुलर कहते हैं। ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है ऑटोनॉमस और इसमें, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। अगर आपको ऑटोनॉमस से जाने का तो आप लोग जा सकते हो, अगर आप लोग को रेगुलर जाने का यूनिवर्सिटी थ्रू तो जा सकते हो, बस आपको थोड़ा सा फीस में डिफरेंस आ जाएगा। ऑटोनॉमस का फीस थोड़ा सा ज्यादा रहता है क्योंकि ये सब कॉलेज में कंडक्ट होता है, तो कॉलेज थोड़ा सा फीस हाई चार्ज करता है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंगली जा सकते हैं। देन उसके साथ आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बीएमएस दैट इज बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज आप लोग कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग को एमबीए जैसा ऑप्शन भी ओपन हो जाता है। देन बीकॉम एएफ दैट इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ये बीकॉम के लिए है आपको। देन है एक्चुअरियल स्टडीज, एक्चुअरियल स्टडीज में आपको मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल स्टडीज रहेगा, अगर आप लोग को 12th तक मैथमेटिक्स रहेगा तो आप लोग ये वाला कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, अच्छा है। देन बी एंड आई दैट इज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के लिए आप लोग को जाने का है, तो ये। देन एफएम है यहाँ पे, एफएम में आपको क्या करने का है, तो उसमें आपको रहेगा फाइनेंशियल मार्केटिंग, ओके। तो आप लोग फाइनेंशियल मार्केटिंग से अगर जाना चाहते हो तो एफएम आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। देन आगे देखिए एम एफ एम जी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो वहां पे जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल मार्केटिंग है, तो ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट से रिलेटेड करना चाहते हो तो आप लोग ये वाला कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। देन उसके साथ आप लोग नीचे वाले कुछ पढ़ सकते हो, देन आई एम यहाँ पे लिखा है दैट इज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है आपके लिए, देन नीचे टी एम लिखा है टूरिस्ट ट्रैवल मैनेजमेंट, ये भी एक मैनेजमेंट का कोर्स है, तो आप लोग इसके अकॉर्डिंगली जा सकते हो। देन यहाँ पे हॉनर्स लिखा है, हॉनर्स में क्या होता है, आपको किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर स्पेशलाइजेशन करने का है कॉमर्स के, तो आपको बीकॉम हॉनर्स करना पड़ेगा। अगर आप लोग नॉर्मल बीकॉम करोगे तो उसमें आपके बाकी भी सब सब्जेक्ट इंक्लूड रहेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग किसी स्पेशल सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो किसी एक सब्जेक्ट में, तो आप लोग को बीकॉम हॉनर्स करना पड़ेगा, तो आप लोग देख सकते हो, अगर आपको करने का है तो आप लोग उसके थ्रू भी जा सकते हो। तो इस तरह से ये बीकॉम के कुछ कोर्सेस हैं, देखिए नीचे भी बीएमएस एमबीए वगैरह के रिलेटेड कोर्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं। देन यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो ये सब हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वगैरह, ये आर्ट से रिलेटेड वगैरह कोर्सेस हैं, ये सब यहाँ पे अच्छी तरह से दिए गए हैं। देन यहाँ पे और एक है दैट इज बीएसडब्ल्यू दैट इज सोशल वर्किंग से रिलेटेड, अगर करना चाहते हो आर्ट्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स, तो ये इस तरह से रहेगा। देन बीएससी के कोर्सेस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें पहला है एविएशन, इसमें आप लोग को एरोप्लेन वगैरह से रिलेटेड जो कुछ काम वगैरह रहते हैं उससे रिलेटेड ये वाला कोर्स है, आप लोग अगर साइंस से स्टूडेंट हो तो आप लोग इसके थ्रू भी जा सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी रहेगा, कंप्यूटर साइंस रहेगा, तो कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, और आप लोग कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे बीएससी कंप्यूटर साइंस से जा सकते हो। जैसे नॉर्मली बीसीए भी कहाँ पे बोला जाता है, एक्चुअली ये साइंस का कोर्स है लेकिन कॉमर्स के भी स्टूडेंट बीसीए से थ्रू ये ही होता है एक्चुअली, तो ये कंप्यूटर साइंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। देन डेटा साइंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स ये सब आपको कर सकते हो, फैकल्टी ऑफ साइंस से रिलेटेड है। तो आगे जाते हैं, आगे आप लोग जाओगे तो आगे आपको दिख रहा है साइंस के और भी कुछ कोर्सेस, यहाँ पे सब कोर्सेस अच्छी तरह से दिया। आईटी आपको पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बाकी तो ये सब कोर्सेस आपको यहाँ पे डिटेल्स में मेंशन करके रखे हैं, तो आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप लोग पढ़ के भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हो कि कौन से कोर्सेस आपको करने के हैं। देन उसके बाद सेकंड लास्ट एंड लास्ट पेजेस पे आपको ओकेशनल कोर्सेस है,
किसी स्पेशल इसमें आपको ओकेशनल कोर्सेस अगर करने के तो वो ओकेशनल कोर्सेस यहाँ पे उनका डेफिनेशन वगैरह दिया है, मतलब किसके रिलेटेड है, जैसे कि टूरिज्म एंड ट्रैवल के रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो आप लोग को जिस चीज में इंटरेस्ट है या आप लोग जो चीज करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप लोग ये ओकेशनल कोर्सेस कर सकते हो। यहाँ पे देखिए फाइनेंस एंड टैक्स रिलेटेड, तो ये कुछ ओकेशनल कोर्सेस है, ये भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बस इस तरह से कुछ कोर्सेस का डिटेल्स था, आप लोग देख सकते हैं आगे भी सेम है वोकेशनल कोर्सेस, अलग अलग फैकल्टी ऑफ कॉमर्स साइंस इस तरह से आप लोग को यहाँ पे क्या दिए हैं वोकेशनल कोर्सेस, तो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे सिलेक्ट करते वक्त एक बात पे ध्यान दो थोड़ा सा स्टूडेंट की, यहाँ पे अभी SY और TY के लिए भी ये सब ऑप्शन ओपन हो गए, तो कुछ जगह पे ये FY, SY, TY वगैरह भी दिखा सकते हैं। तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देने का है कि किस तरह से ये वर्किंग हो रहा है, नहीं तो क्या हो सकता है आप लोग गलत चूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे आपको FY BCOM दिख रहा है, यहाँ पे SY BCOM दिख रहा है और यहाँ पे TY BCOM दिख रहा है, ये BCOM का ही है, नॉर्मल BCOM है, प्लेन BCOM, बस FY, SY, TY है। अगर आप लोग यहाँ से फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करो तो आपको FY BCOM सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके तरफ थोड़ा सा ध्यान दो, बाकी तो कुछ है नहीं है, ऐसा ही इस तरह से आपको कोर्सेस सिलेक्ट करने के है। क्लियर? चलो गाइस हम लोग अपना देखते हैं फिफ्थ प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। फिफ्थ प्रॉब्लम आपको आ रहा है एडिट प्रोफाइल करते वक्त, एक बार आप लोग ने क्या कर दिया है सब फॉर्म वगैरह कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद आप लोग शायद प्रिंट आउट करने के लिए भी लेके गए हो उसको, और क्या हो रहा है अगर वहां पे आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है या प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, तो आपको कुछ एडिट करना चाहते हो लेकिन वो एडिट नहीं हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, आप लोग अगर एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है एडिट प्रोफाइल करते ही यू हैव कंप्लीटेड एप्लीकेशन हेंस यू कैनॉट एडिट प्रोफाइल एट द मोमेंट। तो आप लोग ये वाले टाइम पे प्रोफाइल एडिट नहीं कर सकते, तो आप लोग करोगे क्या? तो उसके लिए सॉल्यूशन है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने एप्लीकेशन स्टेटस पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग ने बहुत सारे कॉलेजेस के नाम वगैरह फिलअप किए रहेंगे, तो ये सब कॉलेजेस के नाम जो आप लोग ने फिलअप कर दिए हैं तो आपको क्या करने पड़ेगा, वन बाय वन यहाँ से क्या करने पड़ेंगे, ये कॉलेजेस डिलीट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले ही एक दो कॉलेज किए थे लेकिन मेरा गलत हुआ था, तो यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिए है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो रेड में शो हो रहा है। तो एक बार वो सब कॉलेज आप लोग यहां से डिलीट कर दोगे एंड देन आप लोग अगर एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कर दोगे तो आप लोग का ये वाला जो मैसेज है एडिट प्रोफाइल के बाद ये जो नीचे मैसेज आ रहा है वैसा नहीं आएगा, उसके जगह पे आपको यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाई देगा, आप लोग एक बार उसको क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पे फिर से पहुंच जाओगे, मतलब यहाँ पे, और फिर आप लोग अगर पर्सनल एड्रेस, एजुकेशन, रिजर्वेशन कहाँ पे भी आप लोग क्लिक करोगे तो वो प्रोफाइल आप लोग अपना एडिट करके फिर से प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक बात के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देने का है, जैसे कि आप लोग ने एप्लीकेशन स्टेटस में जाके किसी का प्रिंट निकाला रहेगा, जैसे कि मतलब हम लोग किसी भी इसमें अगर प्रिंट पे क्लिक करते हैं और प्रिंट करने के लिए जब फर्स्ट टाइम हम लोग प्रिंट के लिए अप्लाई करते हैं तभी क्या हो जाता है, आपके सामने एक ई सुविधा टिकट जनरेट होता है। तो ये जो ई सुविधा टिकट है वो आपको संभाल के रखने का है, उसका कोड वगैरह जो PDF आया रहेगा वो डाउनलोड करके रखो, क्योंकि वो जो ई सुविधा टिकट है वो वन टाइम जनरेट होगा, उसमें आपको रिपीट नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग अपना ई सुविधा टिकट जरूर संभाल के रखिए, फिर भी अगर आप लोग को लग रहा है एडिट करने का तो बाद में आप लोग एडिट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है आप लोग अपना एप्लीकेशन स्टेटस से ये सब डिलीट करके ये सब फिर से एडिट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन आप लोग को ई सुविधा टिकट जब भी प्रिंट लगेगा तभी आपको ई सुविधा टिकट एंटर करना पड़ेगा, तो वो फर्स्ट टाइम ही जनरेट होता है, तो उस टाइम पे उसको संभाल के जरूर रखिए। तो इस तरह से आप लोग का ये भी जो प्रॉब्लम है इसका भी मैंने सॉल्यूशन बताया है। तो आई होप कि मैंने जो आपके मेन पांच प्रॉब्लम्स थे, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों के हमें कमेंट्स आ रहे हैं कि ये सब प्रॉब्लम सर हम लोग को फेस हो रहे हैं, तो इस सब का मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास और भी कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे तो आप लोग हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो हम लोग इसके ऊपर भी कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है तो आप लोग को जरूर बताएंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।